अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खालिद रियाज़। आप लोगों के साथ जो मेरा लेक्चर है वो सब्जेक्ट का नाम है जी कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन। ये बेटा सब्जेक्ट जो है इसमें दो पेपर्स पर मुश्तमिल है। इसमें जो फर्स्ट पेपर है, जो पेपर ए होगा, वो पहले 7 चैप्टर में से आएगा इस सब्जेक्ट का, और वो होगा 75 मार्क्स का। इसी तरह चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक पेपर बी में से पेपर आएगा, और वो भी 75 मार्क्स का होगा। इस सब्जेक्ट के बेटा टोटल मार्क्स जो हैं वो 150 हैं। अब मैं आप सब बच्चों को वन बाय वन जो है ना इसके चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है वो है इन ग्रेडियंट्स ऑफ कंक्रीट। इस चैप्टर के अंदर हमने कंक्रीट की स्पेसिफिकेशन को पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से एडमिक्सचर्स यूज़ होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करना है, इसका सेटिंग टाइम डिक्रीज़ करने के लिए कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं, पहले चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। इसके अंदर हमने इसके मुख्तलिफ कंक्रीट के टेस्ट को पढ़ना है कि इसके कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कौन कौन सा इसके अंदर अपरेटस यूज़ होता है। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास वो है हमारे पास कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। इसके अंदर जो है इसके जितने भी इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट यूज़ होते हैं कंक्रीट के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जितने फैक्टर यूज़ होते हैं, इसकी मिक्सिंग के तरीके, ये सारा कुछ इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 में आएगा। और चैप्टर नंबर 4 है वो है कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन। इसके अंदर जो सा है ना इसमें कंक्रीट के जितनी भी स्पेसिफिक इसके कोल्ड वेदरिंग, इसके हॉट वेदरिंग, यानी जो हमारे पास फिज़िकल फीचर्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कंक्रीट को किस तरह हमने मिक्सअप करना है वो चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है स्पेशल कंक्रीट। इसके अंदर जो सा है हम जो कंक्रीट यूज़ करेंगे वो रेडी मिक्स कंक्रीट है, ठीक है, या टिल्ट अप कंस्ट्रक्शन है, ये मुख्तलिफ उसकी कैटागरीज के लिहाज से कंक्रीट को कैसे परफॉर्म करना है वो इसके अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, यानी जो पहले से तैयार शुदा स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, कॉलम बीम स्लैब जो फैक्ट्री में तैयार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके जो जो मेथड हैं वो पढ़ेंगे। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 7 है वो रीइंफोर्समेंट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें भी हमने जो है ना बीम स्लैब इसकी क्लीनिंग, इसकी बैंडिंग, इसकी फिक्सिंग वगैरह पढ़नी है। अब ये जो बेटा पहले जो 7 चैप्टर हैं इनमें से पेपर ए आएगा इसका, और वो 75 मार्क्स का होगा। अब जो पेपर बी है वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 8 का नाम है आरसीसी डिज़ाइन। इसके अंदर हमने जो सा है मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन पढ़ने हैं। इसमें जो सा है ना बीम का डिज़ाइन आ जाता है, सिंपली बीम का डिज़ाइन आ जाएगा। इसी तरह ही जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है वो शीयर एंड बॉन्ड डिज़ाइन इन बीम है, और जो चैप्टर नंबर 10 है वो डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बीम यानी मुस्ततीली बीम का डिज़ाइन है। हमने बीम को डिज़ाइन करने के लिए जो जो इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे ये बेटा टोटल जो सा ना इसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम पढ़ेंगे, और इसी के अंदर ही चैप्टर नंबर 10 में हमने लिंटल का डिज़ाइन भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे जो हमने सॉल्व करने हैं। जो चैप्टर नंबर 11 है वो डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब है, और हमने स्लैब को कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें स्टील की स्पेसिंग कितनी रखनी है, उसमें डाया कौन सा यूज़ करना है, ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 12 है वो है डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, यानी इसमें हमने दोहरी रीइंफोर्स वाला बीम है जिसमें डबल सरिये का जाल इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास ये फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते हैं उसमें हम जो स्लैब डालते हैं उसमें डबल सरिये का जाल इस्तेमाल किया जाता है, और हम चैप्टर नंबर 12 में उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 13 है डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब के बारे में हमने पढ़ना है, इसके जो फार्मूलाज यूज़ होंगे उसकी स्पेसिंग कैसे फाइंड करनी है सब कुछ। चैप्टर नंबर 14 है डिज़ाइन ऑफ टी एंड एल बीम है, और इसमें भी ये जो सा इस बीम को हम जो तैयार करते हैं ये हम यकजान बीम जो तैयार किया जाता है, इसमें टी बीम होता है, एल बीम होता है जो स्लैब के सेंटर में हम बनाते हैं, और इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जितनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर नंबर 15 है डिज़ाइन ऑफ एजली लोडेड कॉलम एंड फुटिंग है, यानी कॉलम पढ़ेंगे, कॉलम जो हम ज़मीन में खुदाई करके हम बनाते हैं, ठीक है, और उसकी फुटिंग के बारे में न्यूमेरिकल जो था सॉल्व करेंगे। और लास्ट वन है जी डिज़ाइन ऑफ सिंपल स्टेयर केस, आरसीसी सीढ़ी का डिज़ाइन है, इसमें इसका ट्रेड कितना रखना है, राइजर कितना रखेंगे, वो सब कुछ जो सा है हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। ये बेटा चैप्टर नंबर 8 से लेकर 16 तक इसके न्यूमेरिकल हैं, और जो चैप्टर नंबर 1 से 7 तक है उसमें हमने कंक्रीट का टेस्ट वो है परफॉर्म करने हैं,
और जो चैप्टर नंबर 8 से 16 है इसमें हमने जितने भी न्यूमेरिकल करने हैं वो न्यूमेरिकल ही इसके प्रैक्टिकल होंगे। तो बेटा इस सब्जेक्ट के अंदर जौन सा है हमने दो तरह के यानी कि पेपर आपने जौन सा देने हैं, उसमें फर्स्ट पेपर होगा पेपर ए, 75 मार्क्स हैं उसके, और इस तरह जो पेपर बी है वो भी 75 मार्क्स का है। इसमें टोटल जो हैं इस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके 150 हैं और 50 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं, यानी कि टोटल 200 सब्जेक्ट का हैं आपके, सब्जेक्ट के टोटल 200 मार्क्स हैं। इंशाल्लाह बेटा जो लेक्चर जो कमिंग लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो है ना इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है स्टार्ट करेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं वो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होंगे, डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।